बच्चे जब स्कूल जाना शुरू कर देते हैं तो फिर माँ बाप के लिए सबसे बड़ी जो चिंता रहती है वो है बच्चों की क्लास परफॉर्मेंस। कुछ बच्चे बहुत अच्छा करते हैं पढ़ाई में, जबकि कुछ बच्चों को टाइम लगता है चीजों को सीखने में। ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को अन्य बच्चों की तुलना में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। आज मैं उन पेरेंट्स के लिए कुछ खाने की टिप्स बताने जा रही हूँ, जिससे वो अपने बच्चों की मेमोरी को शार्प बना सकते हैं। तो आपको बता दें कि सबसे पहले हम काजू की बात करेंगे, क्योंकि काजू भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। पॉली और मोनो सैचुरेटेड फैट से भरपूर ये ड्राई फ्रूट्स दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये कोशिकाओं के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इससे बेहतर मानसिक विकास में मदद मिलती है। आप इसे बच्चों को नाश्ते में दे सकते हैं। अब बात करेंगे अलसी और कद्दू के बीज की। तो आपको बता दें कि अलसी और कद्दू के बीज भी दिमाग की सेहत के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसके बीज में मैग्नीशियम, विटामिन, जिंक भरपूर मात्रा में होते हैं। आप अपने बच्चों को इन दोनों बीजों को मिक्स करके दे सकते हैं। आप इनको रोस्ट करके स्नैक्स के तौर पर दे सकते हैं। अब आते हैं सब्जी पर। तो आपको बता दें कि ब्रोकली मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ये फ्लेवोनॉइड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई, आयरन और कॉपर से भरपूर होती है। वैसे हरी सब्जियां बच्चों को खाना पसंद नहीं होता है, तो आप उन्हें पास्ते में मिक्स करके दे सकती हैं। इस टिप्स पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स करके बताइए। ऐसी ही और टिप्स के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।